और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड चार धाम यात्रा अब शीतकाल के लिए बंद होने वाली है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के साथ साथ अब गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट बंद होने की तिथि निर्धारित हो गई है। जहां गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वह 6 नवंबर भैया दूज के पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। आज विजयदशमी पर्व पर दोनों धामों के रावल तीर्थ पुरोहित कपाट बंद होने का शुभ लग्न और मुहूर्त तय करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने पर मां गंगा 6 महीने तक अपने मायके मुखबा और मां यमुना अपने मायके खरसाली में प्रवास करेंगी। और कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है मंदिरों में देखी गई, जहां पर चारधाम यात्रा के मद्देनजर लोग वहां पर भारी संख्या में पहुंचे दर्शनों के लिए। और अब जो है तारीख को निर्धारित कर दिया गया है, कपाट बंद होने वाले हैं। आज विजयदशमी पर्व पर दोनों धामों के रावल तीर्थ पुरोहित कपाट बंद होने का शुभ लग्न और मुहूर्त तय करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने पर मां गंगा 6 महीने तक अपने मायके मुखबा और मां यमुना अपने मायके खरसाली में प्रवास करेंगी। शीतकाल के लिए यह कपाट बंद किए जाएंगे। अब श्रद्धालु जो है वहां पर कुछ समय के लिए शीतकाल के तक वहां पर दर्शन नहीं करेंगे, उसके बाद जब कपाट खोले जाएंगे तैयारियों के साथ जो है श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में जहां गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे, तो वहीं अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो जानकारी के लिए बता दें कि कपाट 6 नवंबर भैया दूज के पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। ये तारीखें हैं वह दो जब कपाट को बंद किया जाएगा। और चारधाम यात्रा के शीतकाल के लिए यह कपाट बंद किए जाएंगे। विशेष तैयारियां की गई है, दो तारीखें तय कर दी गई है जब जब यह कपाट बंद किए जाएंगे।